दोस्तों Redmi Note 9 Pro Max नाम तो काफ़ी बड़ा रखा है, लेकिन दोस्तों फीचर कितना बड़ा है ये तो देखने के बाद ही पता चला। दोस्तों काफ़ी लोग इस फ़ोन से लेकर उम्मीद किए थे कि ये फ़ोन 5G होने वाला है, इसमें आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, दोस्तों क्या क्या मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसको लेकर मनु कुमार जैन ट्वीट पर ट्वीट करते रहे, लेकिन दोस्तों जैसे ही फ़ोन लॉन्च हुआ कह सकते हैं कि पूरी तरह से फ़ोन से काफ़ी लोग नाराज हो गए। एक कहावत है दोस्तों कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वहीं हाल हो गया Redmi Note 9 Pro Max के साथ में। दोस्तों नाम तो काफ़ी अच्छा रखा था, लेकिन जो फीचर है दोस्तों मेरे हिसाब से नाम के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं है। हालांकि दोस्तों इस वीडियो में इसी फोन के बारे में बात करेंगे और बताएंगे दोस्तों कि क्या इस फोन को आपको बाय करना चाहिए या आराम से आपको पोको X2 बाय करना चाहिए। हालांकि दोस्तों मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपको हिंट कर दूंगा कि इन दोनों फोन में से किस फोन को आपको बाय करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इस फोन का जो डिजाइन है बिल्कुल कह सकते हैं कि काफी अच्छा रखा गया है, आप देख सकते हैं, देखने में फोन काफी अच्छा लगेगा। इसके बैक साइड में और फ्रंट साइड में दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है, और दोस्तों इस फोन का जो बैक साइड में कैमरा है इसमें भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो दोस्तों ये जो फोन है आपको बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में कहीं से निराश नहीं करेगा। दोस्तों इसके साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में दिया गया है। अगर सामने की तरफ बात करते हैं तो इसमें आपको 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल दिया गया है। दोस्तों इसके सेंटर में आपको एक पंच होल नोच दिया गया है, जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो दोस्तों ये फोन आपको डिजाइन और डिस्प्ले में काफी अच्छा रहेगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हालांकि दोस्तों अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो पोको X2 में आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट दी गई है, जो कि दोस्तों इससे काफी बेटर है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो पोको X2 का जो डिस्प्ले है दोस्तों आपको काफी बेटर मिलेगा और काफी ब्राइट भी मिलेगा। बात करें अगर इस फोन का कैमरा के बारे में, इसके रियर साइड में आपको 4 कैमरा दिए गए हैं, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। दोस्तों इसमें आपको सैमसंग का GW1 सेंसर दिया गया है, इसके साथ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, साथ में इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है, इसके साथ यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। तो दोस्तों इस फोन का जो बैक कैमरा है वो आपको काफी अच्छा मिल रहा है, इसके बैक कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ में आपको स्लो मोशन का भी फीचर मिलेगा, साथ में इसमें आपको EIS का भी सपोर्ट दिया गया है, साथ में आपको नाइट मोड भी मिलेगा। तो दोस्तों इस फोन का जो बैक कैमरा है आपको बिल्कुल बेटर मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे पोको X2 से कंपेयर करेंगे तो पोको X2 का जो मेन कैमरा है दोस्तों बिल्कुल बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको एक सोनी का सेंसर दिया गया है, जो हम सबको पता है कि सोनी का जो सेंसर होता है दोस्तों काफी बेटर होता है। हालांकि दोस्तों यहां पे जो Note 9 Pro Max है ये भी काफी अच्छा रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जो यहां पे Poco X2 है बिल्कुल बेटर रहेगा। बात करते हैं यहां पे सेल्फी कैमरा के बारे में। तो Note 9 Pro Max में दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो सेल्फी कैमरा इस फोन का काफी अच्छा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो कह सकते हैं कि कैमरा में Note 9 Pro Max दोस्तों यहां पे बिल्कुल अच्छा रहेगा अगर आप ये फोन खरीदते हैं। तो प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 720G दिया गया है, जो कि दोस्तों एक काफी अच्छा प्रोसेसर है, चाहे हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से या बात करते हैं गेमिंग के हिसाब से, दोस्तों काफी अच्छा रहेगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। काफी कमाल का इस फोन में आपको परफॉर्मेंस मिलेगा और काफी कमाल का इस फोन में गेम खेल पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे भी पोको X2 के साथ में कंपेयर करना चाहते हैं तो जो पोको X2 है यहाँ पे भी थोड़ा सा बेटर ही रहेगा, पीछे नहीं रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा आगे ही रहेगा। बात करते हैं इस फोन के रैम और स्टोरेज के बारे में। तो ये फोन इंडिया में आपको 3 वेरियंट में लॉन्च हुआ है। इस फोन का जो स्टार्टिंग वेरियंट है दोस्तों इसमें आपको 6GB का रैम और साथ में आपको 64GB का स्टोरेज दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि इस फोन में आपको 2 SIM एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है यहाँ पे Xiaomi ने। बात करते हैं इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये फोन एंड्रॉइड 10 के साथ में लॉन्च हुआ है, साथ में इसमें आपको MIUI 11 देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 5020mAh की बैटरी दी गई है, साथ में इसमें आपको टाइप सी भी दिया गया है, और दोस्तों इसमें आपको 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कह सकते हैं कि बैटरी में और फास्ट चार्जिंग में यहाँ पे बिल्कुल पीछे रहेगा पोको X2, यहाँ पे Note 9 Pro Max बिल्कुल आगे रहेगा। अब बात करते हैं इस फोन के अदर फीचर के बारे में। तो इसमें आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट दिया गया है, इसके साथ इसमें आपको 3.5mm का जैक, OTG और डुअल 4G वोल्टी का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फीचर वाइज ये फोन काफी अच्छा रहेगा, इस फोन में आपको बहुत सारे अच्छे फीचर दिए गए हैं। लेकिन अगर मेन बात करते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में, तो इस फोन का जो स्टार्टिंग वेरियंट है दोस्तों इसका प्राइस रखा गया है 15,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे 15,000 रुपये कह सकते हैं कि ये फोन का प्राइस काफी अच्छा रखा गया है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं इस फोन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये फोन काफी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 1,000 रुपये अधिक लगाते हैं तो आपको पोको X2 बिल्कुल बेटर रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगी, साथ में इसमें जो आपको प्राइमरी कैमरा रहेगा बैक साइड में, इसमें आपको सोनी का सेंसर मिलेगा, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि जो बैक कैमरा रहेगा आपको बिल्कुल बेटर मिलेगा पोको X2 में। हालांकि जो सेल्फी कैमरा दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाउन हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे कैमरा रिव्यू इसका देखा हूँ, काफी अच्छे डिटेल आते हैं पोको X2 में भी, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप पोको X2 लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि दोस्तों अगर आप 15,000
2000 से ऊपर नहीं जाना चाहते हैं और आपको Redmi का ही ब्रांड लेना है तो आप आराम से Redmi का नोट 9 प्रो मैक्स ले लीजिए, अच्छा फोन रहेगा आपके लिए। वैसे दोस्तों आपको ये फोन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।